हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आपको देखने के को मिलेगा हमने किस तरीके से अपनी 10 आवर की रोड ट्रिप को कवर किया। एनसी टू फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना टू फ्लोरिडा हम लोग गए थे बाई कार विद 2 किड्स, और किस तरीके से हमने मील प्लानिंग करी वहाँ पर। हमने कहीं भी बाहर का खाना नहीं खाया, तो हम लोगों ने किस तरीके से प्लानिंग करी और किस तरीके से पैकिंग करी इस ब्लॉग में आपको वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने भर लिया आइस कूलर में, ये गई कच्ची रोटियाँ जो हमें फ्रिज में ही रखनी है, प्लस ये थोड़ा सा गाजर का हलवा रखा है, प्लस ये बच्चों के लिए अनार तो इसमें नहीं रखा ना श्रद्धा। ये रही सब्जियाँ जो हमको लेके जानी है, काउंट करके रख लिया है, और हमको एक दो चीज़ें बाय करनी है, बाकी हमारा कूलर भी ऑल सेट हो गया। फ्रेंड क्लोज करो इसको अच्छे से क्लोज करो श्रद्धा। हम निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है हमारा 8:30 और हमारा यही टारगेट था। वेदर काफी ठंडा हो रहा है, बस अब हम निकलने वाले हैं। सामान हमारा ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, बस स्ट्रॉलर ये रहेगा, हमारा क्रॉकरी। तो बस अब हम निकलेंगे, मैप लगाएंगे और देखेंगे कितनी देर का रास्ता दिखा रहा है। और बच्चों के साथ ना आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगा लीजिए, और लॉन्ग ड्राइव पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बीच बीच में काफ़ी बार रुकना होता है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 525 माइल्स हैं हम, और मेरे को पहले पता नहीं था कितना दूर बैठेगा, बट समहाउ हमको 10 आवर लगे थे क्योंकि बीच में ट्रैफिक बहुत मिला था। वेदर तो देखने में लग रहा है अच्छा है, पर बाहर बहुत ज़्यादा चिली वेदर हो रहा था, बट हमको निकलना था क्योंकि हम लोग की सारी बुकिंग पहले से हो रखी थी। और यहाँ कार में बैठे बैठे मैंने नेल पेंट भी लगा लिया, और बस अब हम पहुँचेंगे, हमको टाइम लगेगा अच्छा खासा, बीच बीच में हम रुकते हुए जाएंगे। वेदर बाहर से तो देखने में नहीं पता चल रहा होगा, पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, बीच बीच में हम लोग रुके, काफ़ी बार रुकना पड़ा था बच्चों के साथ में। और 3-4 घंटे की ड्राइव के बाद में यहाँ ब्रेक लिया है रेस्ट रूम वगैरह के लिए, यहाँ हम लोग बस लंच भी निपटा लेंगे लगे हाथ। और बस अब हम पहुँच गए एक होटल में, हमने परमिशन ले लिया था कि हम लोग लंच कर सकते हैं क्या, बट उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर लो। तो यहाँ पे बस अब हम अपना लंच सर्व करेंगे। हम लोग पैक करके लेके आए थे बहुत अच्छे से, हम लोग का खाना मतलब इतना ज़्यादा ठंडा, माइनस में टेम्परेचर था, उसके बाद भी हमारा खाना काफ़ी गर्म इन कंटेनर्स में निकला। तो अगर क्या आप लॉन्ग ट्रिप पे हैं विंटर्स में, तो आप इस तरीके के कंटेनर ले लीजिए, इसमें खाना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो मैं लंच में बना के लेके आई थी, पालक की पूड़ी थी और मटर पनीर बना लिया था क्योंकि बच्चे एनी हाउ पनीर को पसंद करते हैं, और थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी फ्रिज में रखी थी, तो एक मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बना थी जिससे कि जल्दी जल्दी ये सारा मतलब क्योंकि 4-5 दिन का ट्रिप था ना, तो खराब ना हो जाए, तो ये करके हम लोगों ने यहाँ पर देखिए पैक कर लिया। और बहुत ज़्यादा गर्म है, ये पानी सारा, अब गर्म हो रहा है खाना है डिफेंस में। अब आ गए हैं, अभी हमारा 5 आवर की जर्नी रह गई, अभी और बढ़ गया होगा टाइमर, तो सभी खाना रख कर निकलेंगे हम लोग। बहुत ठंडी हो रही है, समाओ हमारे स्टार्टिंग के 300 माइल्स ना बहुत अच्छे स्मूथली हम लोगों ने कवर किया, बट बाद में हमको बहुत ट्रैफिक मिला जिसके चलते हम परेशान हो गए थे। तो मेरे बड़े बेटे ने तो खाना खाया नहीं समाओ, पता नहीं क्यों। तो मैं फ्रूट्स भी जो फ्रिज में जितने भी रखे थे, जैसे अनार रखा था तो उसको सारा काट काट के ले आई थी, क्योंकि रास्ते में ना खाली बैठे बैठे ना भूखी लगती है, तो बच्चों ने अच्छे से फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। और बस ये शैतान मेरा खुद भी खाएगा और अपने बड़े छोटे भाई को भी खिलाएगा। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं, टाइम तो लगेगा बहुत ज़्यादा। क्या हुआ शेरा? ने मारा। मारा? मारा? यहाँ पे मारा। यहाँ पे मारा। लॉन्ग ट्रिप पे ना बच्चों का मन लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोगों ने कोशिश करी थी कि सारे चीज़ें जितनी भी है ड्राइंग वगैरह पेपर के लिए लेके आए थे, ड्राइंग कलर्स वगैरह टॉयज भी लेके आए थे, बीच बीच में खाने पीने के आइटम भी थे। और ये है हमारी चाय।
ये हमारी रही नमकीन, ये हमारी रही चाय। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं, हमको रात हो गई थी, मतलब 7 बज गए थे पहुंचते हुए। पहले टाइम दिखाया था 4:45 का और हमको 7 बज गए थे आराम से। और बस अब हम पहुंचने वाले हैं, हम बहुत टायर्ड हो गए थे। मतलब बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं, मतलब बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बार बार, कब पहुँचना है कब पहुँचना है। और यहाँ मैं इसका अच्छे से टाइम पास कर रही हूँ। अब बस पहुंचने वाले हैं और इस ब्लॉग में आपको यहीं तक का एक दिन का ब्लॉग वीडियो मिलेगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमने कौन कौन से डिज्नी के पार्क कवर किए, प्लस हम लोगों ने किस तरीके से प्लानिंग करी। हमने बाहर से कुछ ज़्यादा ख़रीदा नहीं और अच्छे से हमने बिना किचन वाले होटल में भी अच्छे से प्लानिंग करके हम लोगों ने अपना टाइम निकाला, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया वेकेशन का। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा हेल्प कर रहा है अपने पापा को सारा सामान होटल में पहुँचाने के लिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग करके लेके गए थे हमको क्या होटल में हम बना सकते थे, क्योंकि किचन में हमको गैस नहीं मिलना था और बिना गैस में प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर भी हम लोगों ने अच्छे से प्लानिंग करके हम लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। और बस हम यहाँ से की ले लेंगे, और की लेके मैं आपको ना रूम का भी एक छोटा सा टूर करा देती हूँ। तो मिनट, तो हमारा होटल था हयात पैलेस और हम लोगों ने यहाँ पर हमने 3 नाइट 4 डेज का होटल बुक किया था। और बस हम पहुँच रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं होटल में जाने के लिए, हमेशा से ही रहते हैं। तो हमारा रूम नंबर था 5510 और बस हम रूम में एंट्री कर दिए हैं। मैं आपको छोटा सा टूर दे देती हूँ। तो एंट्री करते ही रूम अच्छा था, रूम मिनिमल्स जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से सारा हम लोग का काम हो गया था। तो ये थोड़ा सा ना इन्होंने स्लैब दे रखा था, किचन नहीं था, बट यहाँ पर अच्छे से आप पैंस वगैरह क्लीन कर सकते हो। ये हमारा रूम का हो गए, 2 बेड मिले थे क्वीन वाले। और ये हो गया हमारा रूम का व्यू, बहुत ही प्यारा रूम था। प्लस सुबह निकलना था, रात को आना था, और ज़्यादा सब कुछ कर ही नहीं देते, इतना यूज़ नहीं होता है, बट अच्छे खासे चार्ज लगा देते हैं होटल वाले। तो बस रूम का छोटा सा टूर के बाद अब हम आएंगे हम लोग खाना, जो हमने मेन्यू प्लानिंग करी थी, क्योंकि लंबा सफ़र किया था और लंबे सफ़र के बाद हम, मेरी फैमिली प्रेफर करती है कि बहुत ही हल्का लाइक दाल चावल टाइप का कुछ, या मूँग की दाल टाइप की खिचड़ी कुछ। तो मैंने मेन्यू में मूंग की दाल की खिचड़ी ऐड करी थी और मैंने फटाफट, मेरे हस्बैंड दूध लेके आए और बस फटाफट मैंने बना लिया था खिचड़ी इंस्टेंट पॉट में बहुत ही क्विकली। जो छोटा छोटा फ्रिज भी मिल गया, इसमें एक माइक्रोवेव मिल जाता है बेसिक जो विदाउट किचन वाले होटल में भी, और फटाक से हमने आधा घंटे लगा के अपनी खिचड़ी सैलेड पापड़ सब हम लोग पैक करके लेके आए थे कर्ट। तो यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो चुका है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो इस ब्लॉग में बनिए रहिएगा और मैं आपसे जल्द ही सेकेंड पार्ट भी इसका शेयर करूंगी।